नमस्कार दोस्तों, हमारे एम्प्लॉयमेंट गुरु जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जो जॉब है या कोई बैंकिंग सेक्टर में जो भी जॉब है, क्या ये लड़कियां कर सकता है या नहीं, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस में। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जॉब में दोस्तों, चाहे कोई भी कंपनी हो, जो लड़कियां हैं बहुत ही कम आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उनको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टारगेट रहेगा या थोड़ा डर रहेगा, क्योंकि हो सकता है फील्ड में जाने के लिए घूम घूम के जाना पड़े, घूमना पड़ता है बहुत सारे, तो यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम आता है। तो हमने देखा कि एक बार ट्रेनिंग में जो है हमारे ग्रुप में कम से कम 30 लड़के थे और वहाँ पे 4 या 5 लड़कियाँ थे, और ट्रेनिंग ख़त्म होते होते सिर्फ दो लड़की थे और बाकी के 3 जो लड़कियाँ थे वो छोड़ चुका था जॉब। फ्लोर में आने के बाद दोस्तों, 1 हफ्ता, ये 10 दिन या 15 दिन के बाद जो है उनमें से एक लड़की जॉब छोड़ दिया। उसके बाद कुछ और दिन के बाद 1 महीने में ही जो और एक लड़की थी वो भी जॉब छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये ऐसा होता क्यों है? क्या इसमें टारगेट होता है या क्या इसमें और कोई प्रेशर रहता है? एक्चुअली दोस्तों, ये जो कमेंट्स आया है, एक हमारे एक व्यूवर्स है भावना, उनको ही मैं डेडिकेट करूँगा कि उसने ही ये कमेंट लिखा था कि सर, क्या ये लड़कियाँ कर सकते हैं या इसमें कोई टारगेट है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको बता देंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले इसमें इंटरव्यू में आप पास हो सकते हैं या नहीं, या इंटरव्यू में आपको जाना चाहिए या नहीं। देखिए, यदि आप लेडीज़ है और आप लाइफ इंश्योरेंस जॉब में आप जॉब करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस में इंटरव्यू बहुत ही आसानी से हो जाता है यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छा हो तो। और इसमें जेंट्स के अलावा लेडीज़ को ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, क्योंकि देखिए, जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसको एक ही मतलब होता है, वो है सेल्स। आप कुछ भी करें, फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, कहीं से भी जाए, आपको जो है सेल्स करना ही होगा, और सेल्स यदि आप कर पाते हो तो वो जो है सबसे ऊपर ही रहते हैं, चाहे चाहे आपके कोई भी मैनेजर हो या नहीं हो, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, लेडीज़ स्पेशली आप बिल्कुल आ सकते हैं। शुरुआत में जो है आपको ट्रैवल होगा। क्यों ट्रैवल होगा? क्योंकि देखिए, जैसे आप ट्रेनिंग होने के बाद आप फ्लोर में आएंगे तो वहाँ पे आपको जो है फिर फ्लोर में भी आपको 2-4 दिन का ट्रेनिंग आपको जो टीएल मैनेजर है वो आपको खुद खुद देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको डायरेक्ट आपको फील्ड में भेज दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का जो जॉब है, ऑफिस में बैठ के कोई काम नहीं होता है। आपको पहले कस्टमर से मीट करना होता है, उसके बाद जो भी उनका डेटा है मैनुअली आपको कंप्यूटर में ही जो है आपको अपडेट करना होता है। वो 1 आधा घंटे 1 घंटे का टाइम हो सकता है, लेकिन बाकी का टाइम आपको रास्ते में भटकना होगा और इधर उधर घूम के आपको कंपनी का प्रोडक्ट सेल्स करना होगा। लेकिन इसमें बेनिफिट भी है आपको। बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो टीएल या मैनेजर रहेगा ना, उनसे आप जो है आप जो डेटा उनसे मिलता है, ठीक है ना, कस्टमर का डेटा मिलता है, आप उनको कह सकते हैं कि जो डेटा आप दे रहे हैं ये डेटा जो है कोई इम्प्लॉई का दे, जो जैसे कि HSBC इम्प्लॉई, इन्फोसिस है, विप्रो है, वो भी इम्प्लॉई जो है लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो, जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उन लोग भी ये प्लान खरीदते हैं। तो यदि आपको उन लोग का जो प्लान है, उन लोग का जो डेटा है स्पेशली लेडीज़ को मिल जाता है, तो वहाँ पे डील करने में बहुत ही आसानी होता है। क्योंकि जैसे लेडी, कोई भी एक लेडी अगर कोई ऐसे लाइफ इंश्योरेंस बेचता है तो उनसे कोई बहस नहीं करता है कि आपके कंपनी में ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा प्राइस में है, दूसरे कंपनी में सेम ही प्रोडक्ट, सेम सब कुछ, और वहाँ पे बहुत कम है, इसी तरह का कोई उलझाता नहीं है लेडीज़ को, ठीक है ना। अब यदि आप थोड़ा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है और आपका कन्वर्जन स्किल्स अच्छा है, तो आप आसानी से बहुत सारे कस्टमर को आप जो है एक ही महीने में आप कवर कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट रहता है। और आपको मुश्किल क्या रह सकता है मैं आपको बता दूं, यदि आपको घूमना पड़ेगा, आपके पास आपके खुद का बाइक होना ज़रूरी है, और शहर आपके इन द सिटी आपको बहुत जगह पे एक दिन में कम से कम 2-4 कस्टमर को तो आपको घूमना पड़ेगा ही, तो आपको शायद उसमें ट्रैवल हो सकता है, बारिश में, धूप में, सर्दी गर्मी में आपको उसमें ट्रैवल हो सकता है, वो आप मैनेज करना कर सकते हो, तो आप बिल्कुल ये जॉब आपके लिए है। और एक बात आपने कह दिया कि इसमें टारगेट होता है या नहीं लेडीज़ के लिए, तो सो लेडीज़ है या जेंट्स है, सबके लिए टारगेट फिक्स रहता है, ठीक है।
आपको मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसी में तो टारगेट होता ही है, लेकिन किसी के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि आपको इस दिन आपको इतना सारे करना है ही है, इतना सारे टर्म प्लान हो या सेविंग प्लान हो, आपको ये कंप्लीट करना ही है, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस डे बाई डे कम होता जाता है तो हर कोई कंपनी आपको प्रेशर जरूरी देगा ही देगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई जवाब सवाल है तो नीचे कमेंट के जरिए बताइए। और एक दोस्तों, यदि आप किसी भी शहर से हो, यदि आप लाइफ इंश्योरेंस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक में हो, तो आप अपने शहर का नाम लिखिए, मैं उसी शहर में अगर इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ की एड्रेस आपको दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।